हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे ब्लॉक संचालन नियमावली पैनल का रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेशन मास्टर एंड सेंट मास्टर के लिए है, लेवल 6 का क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 23 चल रहा है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 201 नंबर का क्वेश्चन है, बुलावा सिग्नल को ऑफ करने के लिए कौन से बटनों का उपयोग किया जाता है? तो SGN और COGGN और UN का प्रयोग करते हैं। UN का मतलब होता है रूट बटन, और कॉलिंग ऑन सिग्नल का बटन और सिग्नल का बटन, ये आपका तीनों होता है। तो बुलावा सिग्नल को ऑफ करने के लिए कौन कौन से बटनों का उपयोग किया जाता है? तो सिग्नल बटन, कॉलिंग ऑन बटन और रूट बटन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, 202 नंबर का क्वेश्चन है, पैनल पर उपलब्ध निम्नलिखित में से कौन से बटन के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर नहीं है? तो ERN के नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ERN क्या होता है? कैंसिल, इमरजेंसी कैंसिल बटन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 नंबर का क्वेश्चन है, पैनल पर उपलब्ध निम्नलिखित में कौन से बटन के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर है? तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सबके लिए है, पहले के लिए भी, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए और चौथे के लिए, ये सब EWEUUIN, EWN, OIN और COGGN, ये सभी। इसका फुल फॉर्म मैं पिछले वीडियो बता चुका हूँ, उसमें आप लोग मेरा पिछला वीडियो पार्ट नंबर 22 देख सकते हैं, उसमें है ये सब फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 204 नंबर का क्वेश्चन, पैनल पर उपलब्ध निम्न में से कौन से बटन सील्ड रखे जाते हैं? तो पहले और चौथे बटन, EUYN और चौथा EWN सील रखे जाते हैं। 205 नंबर का क्वेश्चन है, पैनल पर उपलब्ध निम्नलिखित में कौन सा शील्ड बटन सिग्नल निरीक्षक या ESM द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो EUIN ऑपरेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 नंबर का क्वेश्चन, ऑफ किए गए सिग्नलों को ऑन स्थिति में लाने के लिए पैनल पर कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है? ERN, ERN का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर का क्वेश्चन, पैनल पर बुलावा सिग्नल को किन बटनों का प्रयोग करके ऑफ किया जाता है? तो सिग्नल है, कॉलिंग ऑन है और रूट बटन है, ये आप तीनों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 208 नंबर का क्वेश्चन है, EUIN बटन का सही उपयोग क्या है? आपातकालीन सब रूट रद्दीकरण के लिए किया जाता है, फॉर इमरजेंसी सब रूट रिलीज करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर का क्वेश्चन है, EUUYN बटन का सही उपयोग क्या होता है? आपातकालीन रूट रद्दीकरण के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 210 नंबर का क्वेश्चन, WWN बटन का सही उपयोग क्या है? कांटा संचालन के लिए ग्रुप बटन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211 नंबर का क्वेश्चन, EWN बटन का सही उपयोग क्या है? आपातकालीन पॉइंट बटन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 212 नंबर का क्वेश्चन, OYN बटन का वो सही उपयोग क्या है? ओवरलैप रिलीज बटन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 213 नंबर का क्वेश्चन, ERN बटन का सही उपयोग क्या है? सिग्नल रद्दीकरण बटन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 214 नंबर का क्वेश्चन, CHYN बटन का सही उपयोग क्या है? क्रैंक हैंडल रिलीज ग्रुप बटन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215 नंबर का क्वेश्चन है, CHRYN बटन का उपयोग किया जाता है? क्रैंक हैंडल रद्दीकरण ग्रुप बटन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 216 नंबर का क्वेश्चन है, COGGN बटन का प्रयोग का सही उपयोग क्या होता है? बुलावा सिग्नल को ऑफ करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 217 नंबर का क्वेश्चन है, XYN बटन का सही उपयोग क्या है? गेट का नियंत्रण रिलीज करने का कॉमन बटन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही है।
218 नंबर का क्वेश्चन, यक्ष आर्यन का बटन का सही उपयोग क्या है? गेट का नियंत्रण वापस लेने के लिए कॉमन बटन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 219 नंबर का क्वेश्चन है, AGGN बटन का सही उपयोग क्या है? सचल संचालन पद्धति शुरू करने के लिए कॉमन बटन है, कॉमन बटन फॉर इंट्रोड्यूसिंग ऑटोमेटिक वर्किंग है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 220 नंबर का AGGYN बटन का सही उपयोग क्या है? सचल संचालन पद्धति रद्द करने के लिए कॉमन बटन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 221 नंबर का क्वेश्चन है, SGN का बटन किसके लिए किया जाता है? मुख्य सिग्नल के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 222 नंबर का SHGN बटन किससे संबंधित है? संट सिग्नल के लिए है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 223 नंबर का क्वेश्चन है, WN बटन किससे संबंधित है? तो पॉइंट से है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 224 नंबर का क्वेश्चन है, UN बटन किससे संबंधित है? रूट से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी सही है। 225 नंबर का क्वेश्चन है, UN बटन किस रंग का होता है? तो भूरे रंग का होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 226 नंबर का बटन 226 नंबर का क्वेश्चन, सेंटर सिग्नल बटन किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 227 नंबर का क्वेश्चन है, ERN बटन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 228 नंबर का क्वेश्चन, COGGN बटन किस रंग का होता है? ये लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 229 नंबर का क्वेश्चन है, CHYRN बटन किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। 230 नंबर का क्वेश्चन, CHYN बटन किस रंग का होता है? नीले रंग का नीले रंग का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 231 नंबर का क्वेश्चन, मेन सिग्नल ऑफ करने के लिए कौन से बटनों का उपयोग किया जाता है? तो मेन सिग्नल और रूट सिग्नल, UN बटन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 232 नंबर का क्वेश्चन है, पॉइंट जोन ट्रैक क्लियर होने पर पॉइंट सेटिंग के लिए बटनों का क्रम क्या होता है? WN और WWN होता है, इसका फुल फॉर्म पिछले वीडियो में है, उसमें देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 233 नंबर का क्वेश्चन, ऑफ सिग्नल को ऑन करने के बाद सेट रूट को रद्द करने के लिए कौन कौन से बटनों का उपयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, SGN, UN और EUUYN का प्रयोग किया जाता है। 234 नंबर का, खराबी के मामले में तालित ओवरलैप को रिलीज करने के लिए कौन कौन से बटनों का उपयोग किया जाता है? तो UN और OIN का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 235 नंबर का क्वेश्चन है, आपातकाल में सब रूट रिलीज करने के लिए कौन कौन से बटनों का उपयोग किया जाता है? UN और EUYN का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 236 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में ब्लॉक उपकरणों को खराब माना जाएगा? तो उपर्युक्त सभी, घंटी संकेत साफ साफ ना सुनाई दे, गाड़ी के अंतिम रोक सिग्नल को पार करने पर भी उक्त सिग्नल ऑन स्थिति में ना आए, ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर संकेत मिलने बिना अंतिम रोक सिग्नल ऑफ करना संभव हो, तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 237 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ब्लॉक उपकरण में ब्लॉक एक्यूपेशन की होती है? तो डायोड होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 238 नंबर का क्वेश्चन, मध्य रेलवे पर निम्न में से दोहरी लाइन पर कौन सा ब्लॉक उपकरण कार्यरत है? तो SGE कार्यरत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 239 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ब्लॉक उपकरण पर शंटिंग चाबी होता है? तो पोदनूर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 240 नंबर क्वेश्चन है, VWM का कौन सा नियम दोहरी लाइन पर ब्लॉक उपकरण की खराबी से संबंधित है? तो 4.20 ये नियम है, रूल है, ये 4.20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 241 नंबर, VWM का कौन सा नियम इकहरी लाइन पर ब्लॉक उपकरण की खराबी से संबंधित है? 10.15, ऑप्शन नंबर सी सही है। 242 नंबर क्वेश्चन, इकेरी लाइन टोकनलेस ब्लॉक उपकरण की कौन सी खराबी के मामले को छोड़कर जब तक DSTE या ADSTE या उनके द्वारा विशेष अनुज्ञापत्र धारी व्यक्ति द्वारा जांच न कर ले तब तक उनका उपयोग नहीं किया जाएगा? तो क्या है, जब संचरण खराबी के कारण ब्लॉक हैंडल लॉक हो जाए,
जब कोई गाड़ी लाइन क्लियर दिए बिना स्टेशन पर आ जाए और यदि लाइन क्लियर प्राप्त किए बिना अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ किया जा सके। जब दो स्टेशनों के बीच टेलीफोन संचार विफल हो जाता है तब उस समय डीएसटी और एडीएसटी का के बिना विशेष अनुज्ञाधारी व्यक्ति द्वारा जांच ना कर लिया जाए तब तक वो उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 नंबर। डबल लाइन पर या एस जीई ब्लॉक उपकरण लगे हों वहां ब्लॉक बैग लेने के लिए संबंध में क्या सही है। ब्लॉक बैग लेने वाला स्टेशन प्राइवेट नंबर देगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 244 नंबर का क्वेश्चन है डबल लाइन पर जहां एस जीई ब्लॉक उपकरण लगे हों वहां ब्लॉक बैग क्लियर करने के संबंध में क्या सही है। किसी भी स्टेशन द्वारा प्राइवेट नंबर नहीं लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी भी स्टेशन द्वारा प्राइवेट नंबर नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245 नंबर का। डबल लाइन पर जहां एस जी ब्लॉक उपकरण लगे हों वहां ब्लॉक फॉरवर्ड करने की उपलब्धि में क्या सही है। ब्लॉक फॉरवर्ड करने वाला स्टेशन प्राइवेट नंबर देगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 246 नंबर। डबल लाइन पर जहां एस जी ई ब्लॉक उपकरणों लगे हों वहां ब्लॉक फॉरवर्ड रद्द करने के संबंध में क्या सही है। दोनों स्टेशन प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 47 नंबर का क्वेश्चन है डबल लाइन पर जहां एस जी ई ब्लॉक उपकरण लगे हों वहां लाइन क्लियर रद्द करने के संबंध में क्या सही है। दोनों स्टेशनों के प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 248 नंबर। लाइन क्लियर प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सा ब्लॉक उपकरण सहयोग की आवश्यकता होती है। तो डायोड का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 249 नंबर क्वेश्चन डायोड ब्लॉक उपकरण में S1 स्विच का उपयोग कौन से संचालन के लिए किया जाता है। तो लाइन क्लियर रद्द करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। 250 नंबर का क्वेश्चन डायोड ब्लॉक उपकरण में S2 स्विच का उपयोग कौन से संचालन के लिए किया जाता है। तो पुशिंग बैक के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 251 नंबर का क्वेश्चन है डायोड ब्लॉक उपकरण में पुश बटन PB1 का उपयोग कौन से संचालन के लिए किया जाता है। तो बेल संकेत और कंट्रोल करंट ट्रांसमिशन होता है। बेल संकेत और कंट्रोल ट्रांसमिशन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही। इस तरह से 251 तक का क्वेश्चन समाप्त है। भी अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे पार्ट नंबर 24। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।